किसान साथियों, आज 3 दिसंबर 2023 है। मैं सूबेदार शिवराम आज अपनी बाग का रिव्यू देने आया हूँ। देखिए, फल इस तरह का, अब आप देख सकते हैं कि इस फल का वजन कम से कम नहीं कुछ तो 450 ग्राम से ऊपर का है। उसके बाद दूसरा फल इतना बड़ा है। तीसरा, अभी इसमें देखिए ये कलियाँ दिख रही होंगी, कलियाँ अभी आ रही, सब डालों में कलियाँ हैं। और उसके बाद में अब ये मैं इसको तोड़ूंगा, क्योंकि इतना बड़ा बंदर है, बचने देंगे नहीं। और हर डाल में ये देखिए कलियाँ हैं। और इस ताइवान पिंक की खासियत ये है कि बड़ा भी अमरूद मिलेगा, छोटा भी मिलेगा। और देखिए, ये देखिए किसान साथियों, ये देखिए, ये ऐसे बड़े छोटे, उसके बाद में देखो इस साइज के लगे हुए हैं, इस साइज के लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कलियां भी लग रही हैं, और कलियां अनलिमिटेड लग रही हैं। हर डाल में, हर कली में जो पौधा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें एक एक में मुझे लगता है कि तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये फल देखिए, इसको मैं तोड़ूंगा क्योंकि खाने लायक हो गया है। और हर देखिए, ये इस पौधे में देखो, अभी हमने फल तोड़ा भी है, छोटा भी है, उसके बाद ये कलियां भी हैं। ये देखो अमरूद लग रहा है, फूल भी ले रहा है, उधर कली भी बन रही है। देखिए कलियां कितनी मात्रा में बन रही हैं, ये देखिए कलियां कितनी मात्रा में बन रही हैं। जो भी डाल है, जो भी ये, सब कलियां ही कलियां बन रही। और इधर देखिए छोटा छोटा ये लग भी गया है, ये देखिए छोटा वाला ये अमरूद लग भी रहा, यही नहीं ये देखो भीतर छुपा लगा हुआ है। फिर इसमें देखो ये इस साइज का भी अमरूद है। हर पेड़ में अभी देखिए ये डालों में देखिए किस तरह से ये डालियाँ, अभी से जब ये इतना छोटा फल है तब ये खराब हुई जा रही, डालियाँ झुकी जा रही, तो इसको हमें थोड़ा सा विरल करना पड़ेगा क्योंकि फलन बहुत है। तो इसको जो है दो में से एक तोड़नी पड़ेगी, तब जाके तगड़ा फल बनेगा। ये जैसे देखिए ये फल ही फल है, पूरे पेड़ में नीचे से लेकर ऊपर तक ये देखो फल ही फल लद रखा है। एक ही पौधे में नहीं, हर पौधे में कुछ न कुछ खाने लायक फल है। ये देखिए, जैसे ये देखिए फल, ये खाने वाला था तो हमने लिया तोड़। साथियों, आज मैं दिसंबर माह में किस तरह फलन होती है, जो हमें जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत में हमें जो फल मिलेंगे, उनके लिए मैं आज ये रिव्यू बना रहा हूँ। ये जो है हर पौधे में 40-50 फल, 30 फल, 20 फल तो है, और जब मैच्योरिटी आती है तो फल इस तरह का हो जाता है। आप देख रहे हो कि ये फल कोई आम फल तो है नहीं, नॉर्मल। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि हर महीने का मैंने रिव्यू दिया है अपनी बाग का। और ताइवान पिंक एक बेहतर किस्म की खेती है, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर पौधा अमरूद बड़ा लगा भी हुआ है, फल भी रहा है। और देखो इसी पेड़ में ये देखो ये फल लग भी गया है, ये फल है, ये देखो फलन लग गई, ये देखो फलन लगी हुई जमीन में लगी हुई, और उधर फल फूल भी आ रहा है। ये पूरे सारे के सारे, ये देखिए, ये दिखाओ, ये इस तरह जो है हर पौधे में फलन की कोई कमी नहीं है। हाँ, बंदरों की वजह से थोड़ा सा हैम्परिंग है, जैसे देखिए हर पौधे में तोड़ने वाले भी फल होने जा रहे हैं, उसके बाद में कलियां भी ले रहा है। तो कलियों की देखिए, ये कलियां सारे पौधे में कलियां हैं इस तरह, ये देखिए कलियां हैं। अब देखिए इन पौधों में सेम वही हालात हैं, फूल बन भी रहा है, फूल लग भी रहा है, और मैच्योर फल भी इधर नीचे लगे हुए हैं। नीचे वाले दिखाओ, ये इस तरह फल लगे हुए हैं इसमें, ये देखो छुपे लगे हुए हैं, ये देखो
ये फल लगे पड़े हैं। इसके बाद अभी देखिए साथियों, ये देखिए फल, अभी इसका साइज आप देख सकते हो कि 350-350 ग्राम से तो कम है नहीं, ये 350-350 ग्राम से तो कोई फल है नहीं कम। तो ताइवान पिंक में जो फल लगता है, फल का साइज अच्छा आता है, इसकी मिठास अच्छी है, जो एक बार खा लेगा पक्का ताइवान पिंक के बारे में ही सोचेगा कि मैं इसी प्रजाति का अमरूद लेके जाऊं। देखिए इन इन पौधों को देखिए आप, ये इतने में इनका ये साइज हुआ, फिर उसके बाद देखिए फूल भी लगे हुए हैं, और अब नीचे देखिए इसमें इस साइज का भी फल है, उधर देखिए ये फ्रूटिंग शुरू भी है, चारों तरफ इसमें फल ही फल है। अगर छोटा पौधा है तो पर भी इसमें दबा के फलन है। मैं आज रिटायरमेंट होने के लिए अपने सेंटर जा रहा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि किसान साथियों जो भी अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं नौकरी की, या कोई ऐसा जो काम मतलब बागवानी करना चाह रहे हैं, देखिए इनमें पौधों की हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने कोई बड़े तीर मारे हैं, लेकिन इस पौधे में ही खासियत है, हमारी कोई खासियत नहीं, अच्छा खेत था, अच्छा फलन है, अच्छा पौधे की बढ़वार है। कुछ बाग हमारा पानी भराव से हैम्परिंग हुआ था, तो इस तरह आप देखिए नीचे से ऊपर तक इस पौधों में फलन ही फलन है। तो ये है कि थोड़ा सा सब्र की इसमें ज़रूरत है, बाकी हर पौधे में फलन है, और देखिए इनमें फल भी है, और ऊपर देखिए दिखाओ फूल, इनमें फूल ही फूल है। मीन्स ये 12 मासी पौधा है, मुझे लगता है कि ताइवान पिंक में 12 मासी पौधे हैं। और ये देखिए ये बंदरों ने खा रखा है इसको, देखिए ये देखो बंदरों ने खा लिया है, पेड़ में लगे लगे ही खा लिया, ये देखिए। अब इसके बाद मैं केवल रिव्यू ये दिखाना चाहता हूँ कि ताइवान कोई गलत खेती नहीं है, दिखाओ ये देखिए किसान साथियों, नीचे दिखाओ बैठ के, नीचे बैठ के दिखाओ। इस पौधे में कम से कम 50-60 फल तो इकट्ठे लगे हुए हैं, यही नहीं ये देखिए कम से कम इसमें नीचे नीचे कम से कम नहीं कुछ 100-150 फल होगा, ऊपर भी है, ये देखिए फल भी लग रखा है, और ऊपर ये देखो ऊपर भी फलन है, ये देखिए ऊपर भी फलन है। तो इसमें हर पौधे का यही हाल है, कोई दूसरा तीसरा नहीं, सारे पौधों में फलों का साइज और ये पकना साथ में चलना ये सब पूरे पौधों में लगा ही रहता है। कुछ पौधे हमारे मर गए हैं जिसमें बाग थोड़ा खाली सा लग रहा है, खाली इसलिए लग रहा है कि बीच बीच के पौधे ये बरसात के टाइम पे मर गए थे डूब के, इस वजह से। किसान साथियों मैं अभी नेक्स्ट में इनका दूसरा जहाँ पे हमारे पौधे मरे थे उस जगह रिप्लेस करूँगा, लेकिन अभी जब रिटायर होने के बाद आऊँगा तब। ये देखिए पौधों में फलन की कोई कमी नहीं, ये देखिए फल है, फलों की कमी नहीं है, नए फूल लग भी रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हर पौधे में फलन भी है, फूल भी ले रहा है। साथियों अभी वीडियो हमारी लंबी होने जा रही है, अब देखें कि इस तरह हर पौधे में कहीं ना कहीं तोड़ने वाला भी है, और ये इस तरह देखिए किस तरह डालियां भरी पड़ी हैं, अब ये पता नहीं लोड सह पाएंगी नहीं सह पाएंगी मैं नहीं जानता, ये जैसे जैसे अमरूद बड़ा होगा ये देखिए, और इनमें फलन भी देखिए, देखिए फूल भी लगा हुआ है, नीचे भी दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये देखिए नीचे की फलन दिखाए, दिखाओ। साथियों अभी वीडियो लंबी होने जा रही है, हम चाहेंगे कि अब हम रिटायर होने के बाद 1 महीने बाद आएंगे, फिर आपको रिव्यू देंगे कि हमारी बाग का क्या हश्र है। अब 1 महीना ऊपर वाले के हाथ, साथियों अभी हमारी जर्नी एज ए सूबेदार फौज में ख़त्म हो रही है, मैं अपने रिटायर के लिए सेंटर में जा रहा हूँ, और ये आज का
इस महीने का लास्ट रिव्यू है, उसके बाद मैं फिर एक महीने बाद जनवरी में आऊँगा, फिर आपको इसका रिव्यू दिखाऊँगा। साथियों, जय हिंद, जय भारत।